सुबोध जी मोहिते, जो कि हर महफिल की शान होते हैं, पिछले साल भी उन्होंने काफ़ी अच्छे शेर पढ़े थे, काफ़ी अच्छी गज़ल पढ़ी थी। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे कृपया हमें भाषण सुनाकर कुछ अपनी स्वयं रचित कुछ याद करके कुछ कविताएं ऐसी हमें सुनाएं जो कि इस महफिल में मज़ा आ जाए। जनाब सुबोध जी मोहिते पाटिल। दोस्तों, मैं आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं सब लोग खड़े होके आपसे बात कर रहे हैं और मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। दो कारण हैं। तीन हफ्ते पहले पैर की एड़ी फ्रैक्चर हो गई थी। हाँ, तो अभी अभी प्लास्टर छोड़ा है, तो सोचता हूँ आपको भी मज़ा आ जाए और मुझे भी मज़ा आ जाए, परेशानी ना हो, इसलिए आपकी परमिशन लेके बैठ के बात करने की यहाँ पे मैं इजाज़त आपसे लेता हूँ। पिछले साल मैं नहीं आ पाया। जमीर भाई कहाँ है? पीछे बैठे, आपको तो आगे होना चाहिए। अच्छा, हमारे पीछे है। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं तो शायर हूं नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ये रिश्ता मेरा और जमीर भाई का ऐसा है, क्योंकि अभी तो चुनाव नहीं है। मैं कहां से आया हूं? नागपुर से आया हूं। ना अभी चुनाव है, ना आगे पीछे मुझे यहां से चुनाव लड़ना है। जो भी राजनीति का आदमी है, कुछ भी काम करेगा, सोचता है इसके आगे क्या होगा, मेरे को क्या हो, कि कुछ रिश्तेदारी ऐसी होती हो जी कोई रिश्तेदारी के ऊपर चले जाती है। इस आदमी का मेरा रिश्ता ऐसा है कि राजनीति के ऊपर रिश्ता चला गया। वर्ती है ना, मैं इसको दोस्त बोलूं कि भाई बोलूं कि रिश्तेदार बोलूं, सब नाम के ऊपर का रिश्ता है। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि जिस दिन मेरे आंखों में आंसू दिखेगा, उस दिन मोहब्बत के कारण जमीर भाई के आंख में आंसू आ जाए, और जिस दिन जमीर के आंखों में मुझे दुख दिखेगा, मेरे शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये रिश्ता मेरा है। ये हो गया दोस्ती की बात। अब रहा इस प्रोग्राम की बात। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, क्वालिफाइड आदमी है भाई, नामी आदमी है, वरुण का नंबर वन आदमी है, नंबर वन इन द सेंस ऑफ नॉलेज, पैसे से तो कोई भी हो सकता है। नाम चाहिए इंसान का, नाम नहीं चाहिए पैसे का। बड़ी अच्छी बात किया है इन्होंने। अभी जो दौर चल रहा है, तो उसी से लगते हुए मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में आई हैं, कि अल्लाह से, मालिक से, परवरदिगार से, ईश्वर से, वाहे गुरु से, यीशु ख्रिस्त से, मैं यही चाहूंगा कि वरुण वासियों को इतनी दुआएं दे दे। हम किस चीज के लिए बैठे हैं? यूनिटी के लिए। तो यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब है हम सब एक हैं। तो एक है का मतलब यह है कि सभी को, मुस्लिम को अल्लाह इतनी इबादत दे, भगवान हिंदुओं को इतनी समझ दे कि वरुण में इंसान इंसान से प्यार करे, ना जाति धर्मों से प्यार करे। मोहब्बत का बंधन इतना तगड़ा हो, हम तो वरुण की बात कर रहे हैं, दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम तो छोटे आदमी हैं।
वरुट के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, चौक चौक में इतनी मोहब्बत फैले कि दोस्ती और मोहब्बत हाथों से ना हो, दिलों से हो जाए, लोगों को दिखे कि वरुण ऐसा शहर है कि जो राष्ट्रीय एकात्मता का एक पहल बना दे। भैया हम शायर नहीं है, अभी हमने सोचा कि भाई बात क्या किया जाए, बातें तो बहुत हो जाती, दोस्ती की हो गई, यूनिटी की हो जाए, ऐसी बात किया जाए कि आपको थोड़ा बहुत मजा आ जाए। अपन सिंगर नहीं है, कव्वाल नहीं है ना, ना अपन कव्वाल है, ना टीवी के आर्टिस्ट है, ना कोई आर्टिस्ट ऑर्केस्ट्रा में गाने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, जीरो कार्यक्रम है, लेकिन दोस्ती बहुत तगड़ी है। जमीर भाई ने बोला भाई आपको कुछ ना कुछ तो एटम देना पड़ेगा। हमने बोला भाई हम क्या देख सकते हैं, तो दो चार लाइन जो है मैं आपके सामने पेश करता हूं। मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे अल्लाह मेरे मौला, लहू अपना दे दूं चमन के लिए, लहू अपना दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरा दिल जिगर रो मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, ओ कुर्बान हो चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरे अल्लाह मेरे मौला, मेरे ईश्वर परमेश्वर, मेरी जान जाए वतन के लिए। देखिए ये कॉपी है, ये मेरी कविता नहीं है, नहीं समझे, लेकिन इसकी जो सीख है, ये सीख जरूरत है। मुझे मार्क्स नहीं चाहिए भाई साहब, क्योंकि मैं तो पहले बताया मैं शायर नहीं हूं, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी ये मैंने कहां से लाया, ये सच्चाई तो रखना चाहिए ना भाई। जब मैं नागपुर से यहां तक आया तो हमको भेजा उन्होंने पोस्टर कि राष्ट्रीय एकात्मता है, तो हमने ढूंढा तो राष्ट्रीय एकात्मता में कौन सी कविताएं हैं, तो ये जो कव्वाल है इन्होंने जिस तरीके से कविता, हमको बहुत अच्छी लगी। देखियो दो चार लाइन उसमें हमने भी जोड़ दिया, 100% कॉपी नहीं है, दो चार लाइन हमने भी जोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि मोहब्बत की बातें सीख लो इनसे, मतलब मोहब्बत प्यार जाति धर्म की बातें किससे सीखना चाहिए, तो कवि बोलता है कि मोहब्बत की बातें सीख लो इनसे, ये पंछी कभी मस्जिद पर तो कभी मंदिर पे बैठ जाते हैं। अरे जो पंछी है उनको भी ऊपर वाले ने बनाया है, वो तो फर्क नहीं समझते कि मंदिर है कि मस्जिद है। जब पंछी मस्जिद पे बैठ सकता है और वही पंछी अगर मस्जिद पे बैठ सकता है, तो हम हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के घर में जाके भाईचारा क्यों नहीं बना सकते। जब पंछी समझदार है तो इंसान समझदार क्यों नहीं है। उठो हिंदू मुस्लिम मिलन के लिए, खत्म करो मंसूबे, डॉक्टर साहब ने क्या बताया, उठो हिंदू मुस्लिम मिलन के लिए, और डॉक्टर साहब ने बताया खत्म करो उनके मंसूबे जिनकी नीयत खराब हो। दोस्तों कभी कभी कुछ बातें अच्छी हो जाती है। अब मैं इनडायरेक्ट बात करूं आप समझ लीजिए,
वरुण में जमीर भाई कुछ कुछ बातें अच्छी हो जाती, कुछ लोग बड़े हो जाते ऑटोमेटिक। भलाई चुनाव हार जाए, भलाई कोई रेस हार जाए, लेकिन कुछ कुछ बातें अच्छे हो जाती है, बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के कारण जगह खाली हो जाती है, कम से कम अमन चैन की गारंटी हो जाती है। आप समझ रहे बात को? और कुछ कुछ लोग छोटे हो जाते हैं, वो भी अच्छे के लिए हो जाते हैं। जैसे जमीर भाई और हम लोग गांव में ही रह जाते हैं हमारे भाइयों को संभालने के लिए। तो दोस्तों, मैं इतनी बात करना चाहता हूं आपसे। प्रभु और अल्लाह से मैं इतनी फरियाद करता हूं का ना मुझे चांद चाहिए। जो इंसान जीता है ना उसे चांद चाहिए, ना उसे धन दौलत चाहिए, ना उसे महल चाहिए, ना उसको सोना चांदी चाहिए, उसको तो सिर्फ चैन और अमन चाहिए। इसलिए जमीर भाई ने यह कार्यक्रम यहां पे रखा है। बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, एक बात सिर्फ आपको समझना है कि इस पंक्तियों की लाइन ये है कि मेरी जान जाए बस वतन के लिए। मेरे अल्लाह, मुस्लिम बोल रहा है मेरे मौला, हिंदू क्या बोल रहा है मेरे ईश्वर परमेश्वर, और दोनों क्या बोल रहे हैं मेरी जान जाए वतन के लिए। धन्यवाद।